हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलम आरजे में। दोस्तों, अगर आप लोग भी जो है YouTube पे वीडियो बनाते हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कैमरे के साथ साथ वीडियो क्वालिटी के साथ साथ जो है वॉइस क्वालिटी भी बेटर होना चाहिए, जिसके लिए जो है माइक की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे लोगों का उतना बजट नहीं रहता जितने में माइक आता है, क्योंकि एक अच्छा माइक लेने पर आपको जो 8 से 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक अभी माइक लगा रखा है, जिससे जो अभी मेरा वीडियो शूट हो रहा है, आप लोगों को वॉइस क्वालिटी पता चल ही रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को इस माइक के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के बजट में आएगा, चीप एंड बेस्ट है, आप लोग जो है इसे खरीद सकते हैं। मैं इसकी आपको सारी फीचर्स बताऊँगा और आपको यहाँ पर जो है कनेक्ट करके दिखाऊँगा, और दोनों मोबाइल में आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो अभी एक आईफोन है और अभी जिस मोबाइल से शूट हो रहा है वो एंड्रॉयड है। तो दोनों में आपको मैं यहाँ पे अभी कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। और आप लोगों को जो है थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, कि अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। चलिए फटाफट चलते हैं, अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मोबाइल में आप लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है K9 का माइक जो मैंने अपने लोकल मार्केट से जो परचेस किया है, बट इसे जो है आप लोग जो है ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इसकी क्या प्राइस रहने वाली है वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अनबॉक्स करके कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास डबल माइक जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप लोग अगर रिपोर्टिंग करते हैं या फिर पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं, एक ये रहा, और इसके साथ जो है आपको आईफोन का जो पुराना वाला मॉडल है उसका जो यहाँ पे आपको कनेक्टर मिल जाता है आईफोन में यूज़ करने के लिए। ये रहा इसका रिसीवर, और ये रहा आपको इसका दूसरा माइक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग पिन इसमें दिया गया है जो कि टाइप सी है। दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को, तो ये देख सकते हैं टाइप सी का यहाँ पे जो है USB केबल दिया गया है। चलिए यहाँ से फटाफट साइड करते हैं और आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाते हैं कि आप लोग कैसे मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे जो ऑन करना पड़ता है, ऑन करने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड में एक पावर बटन दिया गया है, इसको आप जब प्रेस करके रखिएगा तो ये जो है ऑन हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक होने लगी है, जो ये अभी आपको जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है, जब ये आपका जब कनेक्ट हो जाएगा तो पूरा जो है ये रुक जाएगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली आपको इसको पहले जो है पावर ऑन कर लेना है। पावर ऑन करने के बाद आपको जो ये रिसीवर है, रिसीवर को डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा ये लाइट रुक जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी ये कनेक्ट हो चुका है और लाइट रुक गई है। तो इस तरीके से आप सिंपली जो है आराम से इसे जो है यूज़ कर सकते हैं, ये अभी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लाइट रुका हुआ है, और मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा दूँ, जैसे मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ, देखिए मैंने यहाँ से निकाल दिया है तो लाइट जो है फिर से ब्लिंक होने लगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका माइक कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और चार्ज करने के लिए आप लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं पिन दिया गया, आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से जो आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी है, दोनों सेम है। और इसका जो रिसीवर है, रिसीवर में भी यहाँ पर जो है चार्जिंग का सिस्टम दिया गया, देख सकते हैं इसे भी चार्ज करना पड़ता है। अगर आप इसको एक बार चार्ज कर लेते हैं तो आराम से 3 से 4 घंटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे पहले यूज़ करके रखा है। तो चलिए अब आप लोगों को एंड्रॉयड में जो है कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जो है आईफोन में कनेक्ट करके दिखाया था, अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ओप्पो का जो है ये वाला फ़ोन है जो एंड्रॉयड है, अभी मैं आपको इसमें कनेक्ट करके बताने वाला हूँ। कनेक्ट करने का प्रोसेस सेम है, आपको सबसे पहले जो है माइक को यहाँ पर जो है ऑन कर लेना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ, देखिए हो चुका है ऑन। बस आपको इसका रिसीवर लेके जो है यहाँ पे जो है कनेक्ट कर देना है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाया, लगाने के साथ ही यहाँ पे जो है लाइट जो है ब्लिंक होना बंद हो गया है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से फिर से निकालूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है लाइट ब्लिंक होने लगा। तो इस तरीके से आप लोग सिंपली आराम से जो इसे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते तो हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप लोग जो है इस माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से एकदम सिंपल है, आप लोग जो इसे इजी टू यूज़ कर सकते हैं।
बात करूँ इसकी प्राइस की, तो प्राइस जो इसका मुझे लोकल मार्केट में पड़ा था 750 रुपया, 750 पड़ा था। बट आप लोग जो है ऑनलाइन भी इसे बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन अभी इसका प्राइस चल रहा है 1200, और आप लोगों को ये जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे उपलब्ध है। लेकिन मैं आप लोगों को जो है फ्लिपकार्ट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आप लोग बाय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से जाके बाय कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए।